जय श्री राम का। आज 31 दिसंबर 2022 है। इसके पहले वीडियो मैंने बनाया है मोदी जी के माता जी की, देश की माता जी के नाम से। अब ये कहना छोड़ देंगे, मोदी जी के माता जी, देश की माँ, उनके नाम से आज हमारा भोज हुआ। वीडियो भी देखिएगा, जबरदस्त हुआ। एक कहते कि देहात पे कहावत कि भगवान के भूत हल जोतता है, कहावत कोई साधारण महिला नहीं थी वो। तो अचानक मैं अभी आया हूँ, एक बात दिमाग में आई, हमने कहा लाओ अपने विचार हम व्यक्त कर दें कि देशवासियों एक इसके ऊपर ध्यान देना, ये घटना पर ध्यान दो। ये नहीं हमको कोई वाहवाही लूटनी है। मैं तो 2014 से मोदी जी की सेवा में लगा हूँ, पूरे बीजेपी के सेवा में लगा हूँ। किसी नेता ने मुझे पहचाना नहीं, और हमें पहचान भी लेंगे तो हमको उनसे कुछ लेना नहीं। अब वो अपना कर्तव्य पूरा करें, बात अलग है। खैर, ये घटना क्यों घटती है? मंगलवार के दिन मोदी जी के माता जी का तबीयत कुछ नासाज हुआ, अस्पताल गई। हनुमान जी ने एक बहाना बनाया, भाई कुछ तो बहाना चाहिए। तो मंगलवार से तबीयत गड़बड़ होती है, अस्पताल जाती हैं। मतलब कि अब हनुमान जी ने अपने शरण में बुला लिया उस माँ को कि अब दोबारा घर नहीं तुमको जाने देंगे, हमारी शरण में आओ। तो हनुमान जी ने उनको शरण में दिया। अब देखो घटनाएं घट रही हैं सब। बुधवार को हमारी बेटी, बुधवार को कौन सी तारीख रही मालूम है? बुधवार को कौन सी तारीख थी बोलिए आप, तो चलने दीजिए। याद नहीं है बाबा जी। अरे अभी से घटा लो बाबू, पढ़े लिखे अभी से घटाओ। आज 31 तारीख है, शनिवार। 30 तारीख शुक्रवार, 29 तारीख बृहस्पतिवार, ठीक है। तो 29 तारीख में शायद बेटी ने हमसे बताया, अरे रहने दो, हमने निकाल के बोल दिया तुमसे मत ढूंढो, हमने कह दिया निकाल दिया, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं, हमने निकाल दिया और बता भी दिया। तो ये देखिए हनुमान जी की कृपा कि मंगलवार से तबीयत जो है, मंगल के बाद से सब हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी ने शरण में लिया। वो जब संसार से विदा होती हैं उस तारीख 30 होती है, ब्रह्म बेला होता है। ब्रह्म बेला देखते जाओ सब, जैसे हमारे माता जी के साथ घटनाएं घटी, रायली आओ पता लगाओ, अपनी मृत्यु को हमारी माँ ने बता दिया था, चैलेंज किया था एक महीना पहले, अब रायली आओ पता लगाओ, बहुत से आदमी हैं वो बोलेंगे। ये घटनाएं जो घटी हमारे साथ जो घट गई, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देशवासियों, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले बाबा लोगों, बड़े बड़े नेता लोगों, मोदी जी की, अब फिर मैं ये कहूँगा कि देश की माँ के विदाई के पहले जो हमको नसीब हुआ, न किसी बाबा को नसीब हुआ और न ही किसी नेता को नसीब हुआ, क्या? सेवा, आध्यात्मिक सेवा। भले कोई पूजा पाठ में माला लेके बैठ गया, और माले से काम नहीं चलता है, काम चलता है हनुमान जी की सेवा है, बानर भोज होना चाहिए। अगर उधर दिक्कत होती हो तो आप इधर खड़े हो जाओ, इधर हम आ जाओ, आओ इधर आओ, ठेलिया के पास आ जाओ, ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर धूप ना पड़े। आप ऐसे बना दो माँ, देखो अब स्क्रीन बच गया, और पीछे हो जाओ, हम और करीब आ जाएंगे, बैकग्राउंड में आ जाएगा। है अब तो लाइट नहीं कम पड़ रही होगी, दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उस समय धूप पड़ रही होगी। तो हमें एक चीज़ बड़ा आश्चर्य हो रहा है
कि जाकिर यही भावना जैसी है? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 2014 के पहले से मैं मोदी जी से लगा अपने अच्छा अनायास, और जितना हमसे बन पड़ा मैंने सेवा किया, निस्वार्थ सेवा किया, प्रचार किया, प्रसार किया। दुश्मनों ने गालियां दी, प्रलोभन दिया, सब कुछ लोग करके हार गया। इतने दिनों की तपस्या का अंजाम उस देश की माँ के साथ हम परम सौभाग्यशाली हुए कि उनकी विदाई से पहले 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे या उससे ज़्यादा नहीं, अंतिम विदाई से पहले हमारे द्वारा मंत्र उच्चारण करके बानर भोज हुआ। और बानर भोज बाबा लोगो तंत्र मंत्र वालो आपको सिद्ध करना पड़ेगा जनता के सामने कि हनुमान जी की सिद्धि है क्या, और हनुमान जी की सिद्धि से क्या हो सकता है। जादू दिखाने से नहीं काम चलेगा, जादू नहीं भाई। हम तो कह रहे हैं आप भाई, आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चला के देखो। आप कह रहे हैं मैं, मेरे पास बड़ा हैवी लाइसेंस है, आप खाली मर्यादा ही चला के दिखा दो, कभी स्टेयरिंग पकड़ा नहीं। हम नहीं मान सकते कि आप गाड़ी के चालक हैं, आप एक सफल या कुशल ड्राइवर हैं, हम नहीं मान सकते। आपने किया हो तो देखो। खैर परिणाम यह हुआ कि तारीख भी पड़ गई, वीडियो भी आ गया और YouTube पर आ गया। शाम के रात में 29 तारीख की 7 बजे 8 बजे तक YouTube पर पहुंच गई बात। सब उसमें लिखा होता ना कि इतने घंटे इतने पहले। ये कौन ऐसी शक्ति थी जो मोदी जी, फिर वही मोदी जी के मुंह से निकला, भारत की माँ, मोदी जी की माँ, भारत की माँ, कि अंतिम विदाई से पहले मंत्रों उच्चारण के द्वारा हनुमान जी ने हमसे यह सेवा करवा दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है, मनन और चिंतन करने की बात है कि ऐसा क्यों। एक से एक बाबा लोग हैं, है? शिवरी के पास भीड़ नहीं थी, मीरा के पास भीड़ नहीं थी, कबीर और तुलसी के पास भीड़ नहीं थी, वो एक अनोखा एक आए, काम किया और अनोखी पहचान बना के चले गए। शायद उसी ने हमारा भी नंबर, लोग कहते हैं कि है, शायद मोदी जी का भी नंबर है कि मोदी जैसा ना कोई था और ना होगा। मैं नहीं कहता हूँ, करोड़ों करोड़ों लोग कह रहे हैं, करोड़ों की बाणी बाणी में दम होता है। तो ये हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतनी बड़ी सेवा उस माँ ने, उस भारत माँ ने इस हमसे दे दिया सेवा। बड़े बड़े बाबा लोग बैठे रह गए, अगर किया हो तो नाम बोलो। सेवा, पूजा नहीं, सेवा। तो एक बड़ी गौरतलब बात है, बड़े बड़े नेता मोदी जी के एक से एक शुभचिंतक है, एक से एक शुभचिंतक है। ये सेवा का अवसर उनको कहीं नहीं मिला, हमको हनुमान जी ने क्यों दिया। जब मैं माँ गंगा के नाम से अनशन में बैठा तो और कोई नेता क्यों नहीं आया, कोई बाबा क्यों नहीं आया, तो ये अवसर हनुमान जी के द्वारा हमें मिलना था, मुझे प्राप्त हुआ। इन बातों से देशवासियों सीखो, समझो और कुछ करो, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद से आज का मैंने जो भोज किया कोई उम्मीद नहीं थी, और दोनों आए। इसीलिए आज याद आई कि भगवान के भूत हल जोतता है, एक गांव की कहावत है। हथकटी भी आई, लंगड़ी गैंग भी आई और हथकटी गैंग आई, तीनों गैंग आज भोज हुआ, तगड़े में हुआ, उसका वीडियो बना है, अभी हम डालेंगे, 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। अब बाबा लोग हमें जवाब दीजिए
कि यहां भागशाली कौन। ये परम सौभाग्य, अभी जाओ भैया काम हो रहा, परम सौभाग्य किसको नसीब हुआ। भाई आप लोग तो चक्षक हैं उनके, किसको ये नसीब हुआ है? तपस्या करेंगे तो काम होगा। वो भारत माँ, वो मोदी जी की माँ, पहले तो भारत की माँ बन चुकी है। उनके साथ होने अनहोने वाली घटनाओं ने सब कुछ बता दिया। और हनुमान जी चलो खोपड़ी खा रहा है। अरे भैया तुम आगे निकल जाओ, जाओ अभी काम नहीं है, जाओ। एक बार कह दिया कह दिया, कोई बात कर रहा है खड़ी मोड़े पर। हो ससुरा कुत्ता भूख रहा, पत्ती चाहिए, गूलर की पत्ती चाहिए, बकरी पाले काय, बकरी पाले हो कटवाने के लिए। तो खड़ी है देख रहे हैं कोई काम कर रहा है, लेकिन खड़े हैं, कुत्ता हो कर रहा है। चलो हटो तू, ये भैया खड़े रहो, खड़े रहो, डरो मत यार, तुम लोग मुसीबत पैदा कर। अरे वो सूंघ रहा है यार, हम खड़े हैं, कोई कुत्ता आपसे ऊपर अटैक करेगा। हम बंदों के झुंड में लोगों को लेके जाते हैं, खड़े रहो चुपचाप, डरो मत, पीछे मत भागो, मैं खड़ा हूँ। एक कुत्ता अगर दांत लगा दे ना, हम पूरी पूरी करोड़ों की संपत्ति आपके नाम लिख देंगे। मैं खड़ा हूँ, हम इसलिए बेवकूफ नहीं कि आपके कुत्ता काट ले आपको गिरा देगा। वो सूंघ रहा है, उसको सूंघने दो, उसकी आदत है। तो हमारा मतलब है कि इन चीजों के ऊपर आप गौर करें, सोचें, समझें, ऐसा क्यों। देखो हनुमान जी की कृपा, मोदी जी के लिए हमको किसी बीजेपी के नेता ने बताया था क्या? बड़े बड़े अखबारों में आया, सुनिया के घर में मोदी के लिए बानर भोज, बड़े बड़े अखबारों में दैनिक जागरण की खबर है। इस माँ के कारण, ये माँ को लोग पहचान नहीं पाए। अब पहचानेंगे, देखो फिर आ जाओ, उधर भी दिखा दिया करो, ये जंगली कुत्ते सब, ये देखो जंगली। तो कहने का मतलब यह है कि जलेसी मत रखो। मोदी जी की तारीफ किया कल एक साहब ने, फिर कहा कह बाबा जी सुधरोगे नहीं, आप क्या सुधारना चाहते। मोदी जी को हम गाली दें, मोदी जी का हम आलोचना करें, जहां सही है मैं सही बोलूं, उन्होंने नहीं हमें पहचाना तो कोई बात नहीं, लेकिन शिकायत का मौका तो है, मैं कह तो रहा हूं उन्होंने नहीं पहचाना, हमने उनको पहचाना, हमने अपने कर्तव्यों को पालन किया। वो पूरे देश को पहचानना है, इसीलिए मैं खामोश हूं, नहीं हम अनशन में बैठ जाते कि मोदी जी एक बोतल पानी चाहिए बाबा को, समझ गए। हम भी कलाकार ही दिखाते हैं, पानी चाहिए दिल्ली में बैठ जाते, अब पानी आ जाता। अरे भाई कौन है बाबा, पानी मांग रहा है, दो। उनके लिए कोई मुश्किल था क्या? अरे वो ना थे, किसी आदमी से भेजवा देते फिर। लेकिन चलो, हो सकता है इसके पीछे कुछ कोई कारण हो। तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाएं घटी हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा थी मोदी जी के ऊपर। पूर्ण हनुमान जी को पूर्ण देवता माना गया है, इनका अंक पूर्ण माना गया है, नौ। नौ अंक अपने आप में पूर्ण अंक है, नौ के नौ, नौ दुनिया 18, 8 एक 9, 9 त्रिक 27, 7 दो 9, अंक कटता नहीं थे। तो पूर्णांक हुआ, पूर्ण माँ, इनको मैंने एक खिताब भी दिया पूर्ण माँ। 100 साल पूरा, साल पूरा, महीना पूरा, पूरा करके ये माँ अलविदा किया, कह के गए कि मैं अब जा रही हूं, अब तुम संभालो। हमारे बेटे ने 8 साल 7 साल 8 साल उस माँ ने मौजूद रह करके और देश को संभाल दिया। उसके बाद में एक गुजरात के ऊपर लोगों ने अटैक किया पूरी ताकत से, लेकिन उस माँ ने गुजरात में इनको सफलता दिलाई। कहा कि रुको जी, हर चीज का टाइम होता है, इसलिए वो विदा भाई। अब देश आंखें खोले, कुछ देखे, अनहोनी घटनाओं से सीखो, इसीलिए मैं कहता हूं सिख धर्म से सीखो।
उनके यहाँ पहला उनका एक मूल मंत्र है सेवा और स्मरण। और दो नहीं कर दिए गुरुओं को देश, वहाँ गुरु लोग आए, एक नहीं अनेकों गुरु हो गए। आज उनके अंदर एक सेवा की भावना है, देशवासियों उनको आगे लाओ, उनको मजबूत बनाओ, किसी का एहसान मत भूलो। इनके बाद साथ साथ हमारे राजपूतों का नंबर आता है, जो भी हमारे राजपूत हैं इनको आगे जाइए। इन्होंने इन लोगों ने सौर की गाथा लिखी है, समझिए, जो मैदान में जंग में लड़े हैं, अपनी कुर्बानी दिया है, ऐसे लोगों को लाओ। तो मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन बातों पर गौर तलब बातें हैं, न किसी नेता को नसीब हुआ, न किसी तांत्रिक बाबा को नसीब हुआ, ये सेवा का मौका हनुमान जी ने श्याम साधु को दिया। जय श्री राम। काम